अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का और हमारे साथ हैं आज प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज के मार्केट पर आपकी टिप्पणी क्या है और जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा है, इससे आपको आगे के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि मार्केट में रनिंग करेक्शन चल रहा है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली था, एक्सपायरी वाला दिन भी था। हमको लग रहा है कि जो इंडेक्स के बाहर स्टॉक्स है, जैसे मिड कैप स्टॉक्स है, वहां पे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। फ्रंट लाइन स्टॉक्स में नतीजों का इफेक्ट है, प्लस थोड़ी बहुत बिकवाली हमने आज गोल्ड फाइनेंस की कंपनीज में देखा, आईटी में देखा, फार्मा में देखा। तो मुझे लग रहा है कि ये दिनों में थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी भी बरकरार है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट्स डेफिनेटली जो यूएस का स्टिमुलस है उसके ऊपर काफी एक्सपेक्टेशन रख रही है। होपफुली आने वाले हफ्ते में अगर अनाउंस होता है तो मार्केट्स में वापस थोड़ी सी एक तेजी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल आई थिंक सेंटिमेंट आगे भी पॉजिटिव रहेगा। ये करेक्शन से कोई बड़ी विकली आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये करेक्शन है और इससे कोई बड़ी गिरावट आएगी इसकी संभावना नहीं है और सेंटिमेंट आपको मजबूत दिख रहा है। तो ठीक है सर, जब आपने उम्मीद जताई है कि आगे बाजार में तेजी का ही माहौल रहेगा, तो ऐसे में कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कल पोजिशनल ट्रेड कहां पर लिया जाए मार्केट में? नहीं, इनफैक्ट मृत्युंजय, पोजिशनल ट्रेड अगर हफ्ते भर का लेना है तो स्ट्रेंथ को ही पकड़ना है। और मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेटिंग कंपनीज है वहीं पे स्ट्रेंथ दिख रही है। हमको एनटीपीसी अभी भी इस लेवल से पसंद है। हमने निचले लेवल से भी काफी अच्छी तरह से इसको रेकमेंड किया था, लेकिन अभी भी हमको लग रहा है करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 107 108 का टारगेट हफ्ते भर में मिल सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 90 मूव कम से कम नेक्स्ट 1 वीक में आने की संभावना है। जी, तो ये पोजिशनल ट्रेड आपके लिए, जहां पर आप हफ्ते भर के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कल पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आएंगे, नतीजों को लेकर क्या अनुमान है? ये अनुमान बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, बताइए क्या अनुमान है पीएनबी के नतीजों का? जी, पीएनबी के नंबर्स में पिछले साल से तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि Q1 में ही, अप्रैल में ही कंपनी ने अपने मर्जर की प्रक्रिया भी शुरू कर ली है, और जिसमें कि ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के साथ मर्जर हो चुका है। तो इसी के चलते Q1 और अगर साल दर साल हम तुलना करेंगे तो वो सही नहीं होगा। लेकिन इस तिमाही की अगर बात करें तो कोर प्रदर्शन अच्छी रहेगी। कंपनी की जो एनआईआई ग्रोथ है वहां पर करीब 56% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफे से घाटे में आ सकती है बैंक, क्योंकि ओबीसी यूनाइटेड बैंक के मर्जर के बाद बैंक के बुक्स पर कुछ प्रेशर भी आ सकता है, एसेट क्वालिटी में दबाव देखने को मिल सकता है। तो उसके सामने हो सकता है कि उनको प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करनी पड़े, तो इस वजह से बैंक इस बार घाटे में भी दिखाई देगी और एसेट क्वालिटी में भी कुछ दबाव नजर आएगा। लेकिन आने वाले समय के लिए मॉरेटोरियम बुक कैसी होती है, स्ट्रेस्ड एसेट कितने होते हैं और आने वाले समय के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होती है, इन तमाम बातों पर पीएनबी बैंक के नतीजों में नजर रहेगी। ओके, तो ये पीएनबी के नतीजों का अनुमान, और इस अनुमान को देखने के बाद अविनाश जी, आपका नजरिया पीएनबी के ऊपर क्या बन रहा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट मृत्युंजय, इस स्टॉक को मेरे ख्याल से कम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो खरीदना नहीं चाहिए। हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी और जो लोन बुक ग्रोथ है प्लस जो मर्जर की इम्पैक्ट रहेगी वो मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर्स बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव रहेगी। है कि कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली दिसंबर के क्वार्टर से थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो अभी कोई जल्दबाजी ना करे। हालांकि बैंक ऊपरी लेवल से काफी तेजी से का मौका नहीं है, थोड़ा सा इसको इसे बच के रहिए। अगर निवेश करना ही है तो मैं समझता हूँ कि जो फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि एक्सिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, जहां पे आपको बिकवाली देखने को मिली है, वो बाय ऑन डिक्लाइन जरूर बनते हैं। तो दिल्ली में जो होटल खोलने को मंजूरी मिली है, उसका बड़ा इम्पैक्ट आज हमने होटल शेयरों पर देखा, जो कुशल ने जिक्र किया यहाँ पर। तो ऐसे में अविनाश जी, अब आगे के लिए क्या आउटलुक है होटल शेयरों का? क्या अभी कुछ और तेजी हम देखेंगे ये, या फिर अभी और तेजी के लिए कुछ और खबरें आनी जरूरी हैं होटल खोलने के मोर्चे पर? आई थिंक मैं समझता हूँ सेंटिमेंटल इफेक्ट तो जरूर रहेगा, क्योंकि होटल के शेयरों में काफी समय के बाद, लॉकडाउन के बाद, इनको रीओपन करने की परमिशन दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है। तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि रेवेन्यूज अभी शुरू होंगे। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जल्दी इंप्रूव होती है वो कहना मुश्किल है, लेकिन हमको लग रहा है कि कम से कम दिसंबर क्वार्टर से तो हमको लग रहा है कि ब्रेक इवन होने की संभावना है। तो यहाँ पे इंडियन होटल्स है या टिपिकली एशियन होटल्स है,
कामत होटल्स है, हमको लग रहा है कि इंडियन होटल्स डेफिनेटली ज्यादा वेल पोजिशन है, तो उनके लिए ये रीओपनिंग जो है वो आगे चल के इनके कैश फ्लो के लिए आगे अच्छी रहेगी, क्योंकि काफी होटल्स अभी भी मुनाफे में नहीं बट हालांकि घाटे में काम कर रही है, तो इनके लिए थोड़ी सी मदद मिलेगी, बट ओवरऑल जो बड़ी मूव आएगी वो मेरे ख्याल से दिसंबर